प्रॉब्लम मैम? मुझे पता है बेटा, प्लीज राइट डाउन, राइट डाउन इफ यू नो इट्स गुड. नहीं पता तो मैम आपको एंड में बताएंगी ना. सेकंड क्वेश्चन, जोन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. कौन सा वो जोन है जो थ्रू आउट ईयर कवर रहता है स्नो के साथ? यू नो दिस आंसर, आई नो ये हमने किया हुआ है. राइट डाउन, वेरी गुड, वेरी गुड. वेरी गुड. थर्ड आंसर इज, थर्ड क्वेश्चन इज, सॉरी, द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट गिवन टाइम. यस, द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट गिवन टाइम, इसको क्या कहते हैं? Very good. Some students are doing very nicely. Good. बेटा it shows कि आप क्लास में हाँ मैम को ध्यान से सुनती है ना. Number four, wind blowing from land to sea. कल मैम ने आपको डायग्राम में समझाया था ना, land to sea. लैंड से सी की तरफ जो विंड चलती है हम उसको क्या कहते हैं? नंबर फाइव, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. जो एयर के अंदर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या नेम देते हैं? यू हैव टू राइट वन वर्ड. यस धैर्य, डोंट आस्क योर पेरेंट्स, डू इट, डू योर सेल्फ. बेटा यू आर इन फिफ्थ, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, फिर क्या हुआ? मैं पूछ रहा था मैम, जरा मैम अपने भाई को बोल रहा था मैम चुप करने को. ओहो, नो प्रॉब्लम. ओके, नंबर सिक्स, जोन विच इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. ये भी आपको आता है. Done. Six questions. Done. No. Okay. Okay, Janvi. मैम मेरे सारा हो गया. Okay, बेटा. I have to wait for others also. I have to wait for others. I will share the answers. Okay. आपको खुद सेल्फ असेसमेंट करनी है, आपको चेक करके अपने आप को मार्क्स देने. गुड, हरिया हरिया बेटा, टाइम इज वेरी लेस, ओनली 8 मिनट्स आर लेफ्ट, वी हैव टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज आल्सो. Yes. Oh no no no. आपको ये किया ना? Now you have to check this. So first answer ma'am, is altitude. Check ma'am, your answer. आपने... ma'am जो आपने ma'am मेरे principal listen. मैंने altitude लिखा है. Yes, altitude या elevation. मुझे नहीं बताना आपने क्या लिखा है. You check your test yourself. Number two is frigid zone, जो कि हमेशा snow से cover रहते हैं. Check your spelling and give marks. Very good. Third is weather. Weather एक ऐसी condition होती है जो कि given time पर एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ गिवन टाइम. ओके, इट्स वेदर. नंबर फोर,
विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ जो जाती है वो उसका नेम क्या है, लैंड ब्रीज. डन. नंबर सिक्स, डॉन विच इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. यस, टेम्परेट जोन. Who scored 6 out of 6? Mummy. Me. Please tell me the name. Mama, I got. Mama, I got. Steve. I got. Okay. Janvi. Shall we start? Shall we start the second exercise? Mom, Janvi got. Yes. Mom, Sia. Beta, listen carefully. If you scored only one marks also, na? Then there is no problem at all. आपने कुछ तो सीखा ना? Have positive attitude. It's really good. Ma'am, I also six got out of six marks. Yes. Come to the second activity. Be ready. This also you have to write on the notebook. Read the content and answer the questions. I'm going to read the content. Different parts of the world have different types of climate. Some region experience a hot and wet climate throughout the year. Let me remember. Other regions are hot and dry in some area. The land is covered by a thick layer of snow and ice. Some parts of the world have very hot summers and very cold winters. Clear? Now you have to answer question number one. Name the region which has hot and wet climate. Hot and wet climate. Ma'am is asking this. Hot and wet. आपको इस चीज का ध्यान रखना है बेटा. Hot and dry different होते हैं. Hot and wet different होते हैं. Excuse me, ma'am, इसको भी वन वर्ड में लिखते हैं. Yes, yes, one word, start. Hurry up, hurry up. Wo region, which is hot and wet. Ma'am, excuse me, ma'am. बेटा यहाँ लाइट चली गई है और मेरी. Excuse me, ma'am. Wait, बेटा, let me check my house. Ma'am, what region ma'am? का नेम लिखना है इस कॉन्टिनेंट का जो हॉट एंड वेट है. आपको रीजन का नेम लिखना. ओके, नहीं आता कोई बात नहीं. लीव द स्पेस. नंबर टू, विच प्लेसेस आर हॉट एंड ड्राई. आज का आपका जीके क्वेश्चन था बेटा. आई एम गिविंग यू एन हिंट. विच प्लेसेस आर हॉट एंड ड्राई. Hurry up, hurry up, hurry up. 4 minutes are left. Done. Question number three. Which part of the world has thick layer of snow? Which part कह सकती हो या आप zone कह सकती हो. ठीक है. Which part of the world has thick layer of snow. Excuse me, ma'am. Yes, dear. I can't see your screen. It is visible to all. Is it? No, ma'am. Your screen is visible. Ma'am, yes, ma'am. It is visible. It's the other one. दादा मंत्री रहते हैं वो अपना वो दिखता नहीं. और मुझे इतना बहुत ज्यादा बन रही है मैं कुछ कर रहा हूँ. मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल.